नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगिंदर, ऑल इन वन हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi Note 7S की और जानेंगे इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में और देखेंगे इस फ़ोन के अंदर हमें क्या कुछ खास मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर सकूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फ़ोन मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है, तो फ़्लिपकार्ट की तरफ से मुझे कुछ इस प्रकार से बॉक्स मिला है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें ये बॉक्स मिलता है Redmi Note 7S का। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार ये 8,181 रुपये का परचेज किया है। तो दोस्तों, फाइनली ये है हमारे पास बॉक्स Redmi Note 7S का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियाज़ नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड, MI Xiaomi की ब्रांडिंग है इसके ऊपर। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो इस पर हाईलाइट है Redmi Note 7S 48 मेगापिक्सल AI कैमरा। बॉक्स के अगर साइड में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें Redmi Note 7S की ब्रांडिंग मिलती है। दोस्तों, ये फ़ोन हमारे पास ब्लैक कलर में है और इस फ़ोन में हमें 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है। अगर MRP की बात करें तो इस बॉक्स के ऊपर 11,999 रुपये की MRP दी हुई है, लेकिन इसकी प्राइस की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। पीछे की तरफ अगर इसके कुछ हाईलाइट्स की बात करें, जिसमें जिक्र है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल AI ड्यूल कैमरा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलता है, 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलती है, जो कि एक डॉट नॉच के साथ में आती है। दोस्तों, आपको इस फ़ोन के अंदर 4000 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी मिलती है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, बॉक्स कंटेंट्स की अगर बात करें तो हमें इसके अंदर ये एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर हमें ये क्विक स्टार्ट गाइड और एक वारंटी कार्ड मिलता है, और साथ ही हमें ये एक केस मिलता है अपनी फ़ोन की सुरक्षा के लिए, जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और हमें ये Redmi Note 7S मिलता है। अभी के लिए इसको साइड में कर लेते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन में हमें ये 10 वोट का चार्जर मिलता है, लेकिन हमारा फ़ोन क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है, लेकिन हमें ये स्लो चार्जर इस बॉक्स में मिलता है, और साथ ही हमें ये एक टाइप सी केबल मिलती है। तो चलिए अब फ़ोन की बात करते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन के अगर डिज़ाइन की बात करें तो आपको इसके अंदर नोट 7 और नोट 7 प्रो के मुकाबले में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा फ़र्क दिखाई देगा कि नोट 7 में आपको ये जो बम्प है ये बहुत ही छोटा मिलता है, और नोट 7S में आपको ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और Redmi के नोट 7 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं मिलता है। तो चलिए इस फ़ोन को बूट कर लेते हैं और नज़र डालते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तब तक मैं इसके ऊपर से ये प्रोटेक्शन हटा लेता हूँ। पीछे से भी स्टिकर हटा लेते हैं। दोस्तों, राइट साइड में हमें ये पावर लॉक एंड अनलॉक बटन और ऊपर वॉल्यूम रॉकर मिलते हैं। ऊपर की अगर बात करें तो हमें ये 3.5 mm जैक मिलता है, और साथ ही सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और इसी के साथ हमें ये IR ब्लास्टर मिलता है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें ये एक सिम ट्रे दी गई है। तो चलिए इस सिम ट्रे को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस फ़ोन में हमें ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जिसके ज़रिए हम या तो इस फ़ोन में दो सिम लगा सकते हैं, या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे हमें ये माइक ग्रिल मिलती है, साथ में टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और उसी के साथ में स्पीकर ग्रिल मिलती है।
दोस्तों अगर पीछे की बात करें तो हमें ये एक ड्यूअल रियर कैमरा मिलता है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ, और सेकेंडरी कैमरा मिलता है हमें 5 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ। इन्हीं के नीचे आपको ये LED फ्लैश मिलती है और इन्हीं के साथ आपको ये फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और नीचे की बात करें तो आपको ये Redmi by Xiaomi की ब्रांडिंग मिलती है। दोस्तों अगर फ्रंट की बात करें तो आपको इसके अंदर 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, और आपको आगे और पीछे की तरफ कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलती है। और सेल्फी कैमरे की अगर बात करें तो आपको इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, और इसी कैमरे के ऊपर आपको ये एक स्पीकर मिलता है। तो चलिए मैं इस फ़ोन को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आपको इस फ़ोन में 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। दोस्तों इस फ़ोन के फ्रंट और बैक में आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर इसके कुछ और डिटेल्स की बात करें तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 9 पाई के साथ में आता है, और इसके अगर सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करें तो आपको इसके अंदर मई के महीने का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। और अगर MIUI वर्जन की बात करें तो आपको इसके अंदर 10.3.5 वर्जन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको इसके अंदर ओक्टा कोर 2.2 GHz CPU मिलता है। रैम की बात करें तो आपको इसके अंदर 3GB की रैम मिलती है, और इंटरनल स्टोरेज आपको इसके अंदर 32GB की मिलती है, जिसमें से आपको 21.14GB अवेलेबल मिलती है। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो आपको इसके अंदर बहुत सारे मोड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको फोटो, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, स्क्वायर मोड, पनोरामा, प्रो मोड जैसे बहुत सारे फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर 48 मेगापिक्सल की बात करें तो वो आपको सिर्फ प्रो मोड में ही देखने को मिलेगा। प्रो मोड में जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको 48 का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इस मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूँ जो मैंने इसी फ़ोन के फ्रंट और रियर कैमरा से क्लिक किए हैं। दोस्तों कैमरा क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये आपको Redmi के Note 7 से काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन Redmi के Note 7 Pro से थोड़ा कम आपको इसके अंदर क्वालिटी मिलती है। तो इन सैंपल से आपको इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7 मुझे इसकी जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों तो आपको इसके अंदर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक दोनों ही मिलते हैं। तो मैं आपको इसके फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों की ही स्पीड दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो अभी मैंने ये फ़ोन लॉक किया हुआ है, जैसे ही टच किया और अनलॉक। दोस्तों फेस अनलॉक की अगर बात करें तो आपको इसके अंदर फेस अनलॉक की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, बस थोड़ी सी झलक आपको इसके अंदर लॉक स्क्रीन की मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। दोस्तों अगर फ्लिपकार्ट की सेल से आप इस फ़ोन को ख़रीदते हो तो आपको ये 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट 8999 का मिलता है, और 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला ऑप्शन आपको 9999 के अंदर मिलता है। तो मुझे ये 8999 के ऊपर 10% डिस्काउंट मिला है, जिसके जरिए मैं इस फ़ोन को 8181 रुपये का खरीद पाया हूँ। अगर आप भी इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर खरीद सकते हैं, या फिर दिवाली तक आप इंतज़ार कर लीजिए, आपको ये फ़ोन और भी सस्ता मिल सकता है। और अगर आप अपना कोई पुराना फ़ोन फ्लिपकार्ट की सेल में एक्सचेंज करेंगे तो आपको और भी अच्छा प्राइस डाउन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इसी Redmi Note 7 S के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।